नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है और आप देख रहे हैं जीके टैग चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि आरपीएफ कांस्टेबल एंसिलरी से बिलोंग करता है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं फिजिकल टेस्ट कैसे होंगे इसके आप सभी के, और इसमें डॉक्यूमेंट में आपको क्या लेके जाना होगा ग्राउंड में, और यहाँ पे क्या होगा, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप अपना अपना, इसकी फुल डिटेल देने वाला हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजबल होने वाला है, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा शुरू से अंत तक। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब, बगल में घंटे का बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो की पूरी जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट की, ठीक है दोस्तों, आपको क्या लेके जाना है डॉक्यूमेंट में। दोस्तों डॉक्यूमेंट में आपको कुछ नहीं लेके जाना, बेसिकली आपको बस ये लेके जाना है टेंथ की मार्कशीट लेके जानी है क्लास, ठीक है दोस्तों। यदि आपके पास ट्वेल्थ की भी है तो ले जा सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। जैसा आपको मंगाया गया है आप वैसा ही ले जाइए, टेंथ तक मंगाया है तो टेंथ का ही तक ले जाइए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों दूसरा है आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना होगा, ठीक है दोस्तों, ये ओबीसी और एससी एसटी का, ठीक है दोस्तों, ले जाना पड़ेगा आपको कास्ट सर्टिफिकेट। दो पासपोर्ट फ़ोटो साइज़ ले जानी, जो आपने फॉर्म फिल करते समय जो फ़ोटो यूज़ करी थी वही फ़ोटो ले जानी है दो आपको पासपोर्ट साइज़ की, ठीक है दोस्तों। ये थी डॉक्यूमेंट की बात। जिसके पास दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है वो दोस्तों तहसील पर जाकर बनवा लीजिएगा, 150 रुपये लगेंगे, जल्दी बना देगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप वहाँ से बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं फिज़िकल की टेस्ट की। दोस्तों फिज़िकल टेस्ट में आपके पहले होगा 800 मीटर की रेस होगी, जो कि आपको टाइमिंग दिया जाएगा 3 मिनट 40 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा होगा आपका लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में आपको 9 फीट की लॉन्ग जंप लगानी होगी, जिसमें आपको मिलेंगे 2 चांस, ठीक है दोस्तों। तीसरा होगा आपका 3 फीट की होगी आपकी हाई जंप, इसमें आपका होगा 2 चांस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो पहला है रेस, दूसरा लॉन्ग जंप, तीसरा हाई जंप, ठीक है दोस्तों। ये थी फिज़िकल टेस्ट, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट की, ठीक है दोस्तों, जिसको फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट, इसमें आपकी पूरी बॉडी की नपाई होगी। जिसमें कैटेगरीज वाइज दोस्तों यह है जनरल और ओबीसी का, इसमें आपका हाइट चाहिए है वो चाहिए 165, आपको छाती चाहिए बिना फुलाए चाहिए 80 या फुला के चाहिए 85, और जो इसमें महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए चाहिए 157, ठीक है दोस्तों। एसटी की बात करते हैं तो 160 चाहिए यहाँ पे छाती उनके लिए, हाइट चाहिए उनके लिए, और जो छाती चाहिए बिना फुलाए चाहिए 76.2 और फुला के चाहिए 81.2, और यहाँ पे महिलाओं की बात करें एससी एसटी की उनको चाहिए 152, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर लिख रहा फ्रॉम द गोथवालीस, गोरखास, मराठास, दोरगास, कोमनिवास एंड द अदर कैटेगरी स्पेसिफाई बाय गवर्नमेंट, यहाँ पर उनको चाहिए 163 चाहिए हाइट, छाती चाहिए बिना फुलाए 80 या फुला के चाहिए 85, और उनके जो महिलाओं की बात करें तो वो चाहिए 155। दोस्तों ये थी पूरी फुल डिटेल, ठीक है दोस्तों, जो आपको हमने इस वीडियो में दी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक कर दीजिए बस दिल से एक, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बगल में घंटे का बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और दोस्तों चैनल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें घंटे का बेल आइकन, क्योंकि दोस्तों आप हमारी वीडियो से नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। बस तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।